एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित मोजमपुर उर्फ किशनपुर गांव पड़ा। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 20 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव की प्रधान पूनम सैनी है। लगभग 1300 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 135 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व 20 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खडंजे, सीसीटाइज रोड, स्कूल में शौचालय, तालाब की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 23 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसीटाइज रोड, स्वास्थ्य केंद्र, पानी निकासी के लिए नाला, शमशान घाट, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल में कब्रिस्तान की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य के केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम छत्रपाल सिंह, मैं प्रधानपति हूँ और जिला संभल से बोल रहा हूँ, जो गांव मोजमपुर बिशनपुर में लगता है। मैंने अपने गांव में अधिक काम, बहुत काम कराए हैं, जिसके जैसे कि जो भी सरकार से पैसा दिया गया सबका मैंने पूर्ण रूप से प्रयोग किया है। जो सारे गांव में खड़ंजा, सीसी निर्माण खड़ंजा कराया गया, तालाब की दीवार का निर्माण कराया है और गांव में शौचालय के लिए भी मैंने स्वीकृति पत्र बंटवा दिए हैं, जिससे कि गांव वाले अपना शौचालय पूर्ण रूप से तैयार कर लें। और मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजें, जिससे कि मैं अच्छा विकास कर सकूं और मेरा भी नाम रोशन हो और सरकार का भी अपना अच्छा आने वाला समय भी ऐसा हो कि योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य कराया है गाँव में। और इसी और मेरा नाम पंकज है और मैं बिशनपुर गांव का रहने वाला हूं। यहां के जो प्रधान हैं वो बहुत ही अच्छा काम करा रहे हैं और जो कि सड़कें वगैरह जो गड्ढे गड्ढे थे वो इस प्रधानी में ठीक हुए हैं और शौचालय बनवाए जा रहे हैं और जैसे जैसे सरकार से पैसा आ रहा है वैसे वैसे काम चल रहा है। और जो समस्या आ रही है थोड़ी बहुत पैसे की समस्या आ रही है, जैसे कि अगर पैसा आता रहेगा तो प्रधान और भी अच्छे काम कराएंगे। हम भी चाहते हैं कि अच्छे काम कराएँ